केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट के गठन को दी अपनी मंजूरी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान राम के मंदिर निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्माण के लिए होगा उत्तरदायी। ट्रस्ट में होंगे 15 सदस्य। सभी राजनीतिक दलों ने ट्रस्ट निर्माण की घोषणा का किया स्वागत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट ने सहकारी बैंकों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देने संबंधी प्रस्ताव को दी मंजूरी। महाराष्ट्र के वर्धावन में बनेगा नया बंदरगाह। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन बिल संबंधी प्रस्ताव भी मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। पीएम ने कहा रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत के पास असीम संभावनाएं। सरकार की नीतियों से रक्षा क्षेत्र में व्यापार में हुआ सुगम। कोरोना वायरस से चीन में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 564 व्यक्तियों की हुई मौत। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। चीन से भारत आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश हुए जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोकराझार में 7 फरवरी को होंगी विशाल रैली। असम के ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे पीएम। दशकों पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए बोडो क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाएगा पीएम का सम्मान। राज्य कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसलों को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति लागू करने का लिया निर्णय। इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए की गई। स्वेच्छा अनुदान राशि 40,000 करने का लिया गया निर्णय। मध्य प्रदेश विधानसभा की लोक उपक्रम समिति ने उमरिया के संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र का किया दौरा। 11 सदस्यीय टीम ने ताप विद्युत केंद्र के संचालन और अन्य गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों से की चर्चा। राज्यपाल लालजी टंडन ने पचमढ़ी स्थित लक्ष्मी मजुमदार पार्क में स्काई साइकिलिंग का किया शुभारंभ। पचमढ़ी में स्काउट गाइड संस्थान में आयोजित साहसिक गतिविधि शिविर का किया शुभारंभ। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज के लिए मुरैना जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया शिविर। विशेष डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मरीजों को दी चिकित्सकीय सलाह। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अच्छे इलाज के लिए अन्य शहरों के अस्पतालों में किया गया रेफर। मातृ वंदना योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को 3 श्रेणियों में किया गया पुरस्कृत। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने पुरस्कार मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपे। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए दी बधाई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को लेकर दिए दिशा निर्देश। कहा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। मिशन के अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रोजगार की संभावनाएं खोजने के दिए निर्देश। दुबई में फुजेरा ग्रुप 2 ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य ताइक्वांडो अकादमी के खिलाड़ियों ने बिखेरा जलवा। अकादमी की खिलाड़ी अंशु दंडोतिया ने अंडर 55 किलोग्राम वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। चैंपियनशिप में गौरव यादव और आयुषी सिंह ने जीते कांस्य पदक। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गुरु नानक देव ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में भोपाल संभाग के खिलाड़ियों ने जीते 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक। हॉकी मुकाबलों में भोपाल ने इंदौर को हराया। नर्मदापुरम संभाग की टीम ने सागर की टीम को दी मात। कायाकल्प अभियान के तहत खंडवा जिला अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। मरीजों से चर्चा कर अस्पताल की सुविधाओं का लिया जायजा। टीम ने मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन, इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विसेज, ट्रॉमा सेंटर तथा अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं की जांच की। और आगामी 8 फरवरी को प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। विवादों का आपसी सामंजस्य और पारस्परिक सहमति से निराकरण खोजने के किए जाएंगे प्रयास।